सायरा पंचायत समिति में अब 31 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों के पंच सरपंच पदों के लिए 6 अक्टूबर को मतदान होने वाले हैं। प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार करने में लगे हुए हैं। हम गांवों के मुद्दों व प्रत्याशियों की घोषणाओं से आपको अवगत कराने के लिए पंचायतों में जा रहे हैं। इस वीडियो में देखिए तरपाल ग्राम पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट। तरपाल ग्राम पंचायत के सरपंच का पद एसटी के लिए ओपन है, मतलब यहाँ एसटी की महिला या पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ 3 उम्मीदवार है, गौरी का बिलवाड़ा के खीमाराम गमेती, नंगा जी का गुड़ा के मोतीलाल गमेती वे कमलाराम गमेती की पत्नी रेखा गमेती। यानी एक उम्मीदवार गौरी का बिलवाड़ा से है जिसका समर्थन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। वहीं 2 उम्मीदवार नंगा जी का गुड़ा से है, नंगा जी का गुड़ा गांव के मोतीलाल गमेती को भाजपा के कार्यकर्ता समर्थन कर रहे हैं। वहीं अपने पति कमलाराम गमेती के सहयोग से रेखा गमेती चुनाव लड़ रही है। बहरहाल तीनों प्रत्याशियों के द्वारा तरपाल, गौरी का बिलवाड़ा, नंगा जी का गुड़ा वे कागटी गांव में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। 6 तारीख को मतदान के बाद सरपंच चुनाव का परिणाम सामने आएगा। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। पंचायती राज चुनाव को लेकर टीम पहुंची है सायरा ब्लॉक के तरपाल गांव में। तरपाल ग्राम पंचायत में सरपंच पद के 3 उम्मीदवार है, तीनों से हम मिलेंगे। उससे पहले गांव के लोगों से मिलेंगे, क्या है यहां के मुद्दे और क्या है सरपंच की घोषणाएं, बात करेंगे। आज भी कड़क है ना? कड़क है, माहौल भी कड़क हो रहा है। माहौल भी कड़क ही है। और इधर चाय बन रही है? नहीं, कॉफी। कॉफी, ठीक है। कितने सालों से आप यहां पे चला रहे हैं? अभी 3-1 महीना हुआ है। 3-1 महीने से? तो अभी इन दिनों में 4-5 दिन में राजनीति की चर्चा ज्यादा चल रही होगी, सरपंचों की यहाँ पे बैठ के लोग ऐसी बात कर रहे होंगे। चल रही है। कुल कितने लोग लड़ रहे हैं इस तरपाल ग्राम पंचायत में? 8-10 लोग हैं। सरपंच के लिए? सरपंच के लिए तो 3-4 लोग हैं। 4 लोग हैं। 4 ने तो फार्म भरा था। हाँ, 4 ने फार्म भरा था। हाँ जी। और कितने रह गए चुनाव लड़ने के लिए? दो ही लड़ेंगे मैन तो। अच्छा, और आप कहाँ के हो? आप कहाँ के हो? मैं तरपाल का ही हूँ। तरपाल के ही हो। तो ये एक चाय का बहुत अच्छा सा होटल है और लोग यहाँ पे चाय नाश्ते के लिए आते हैं। आप आओ। आप कहाँ के हैं? मैं तो प्रॉपर तरपाल का ही हूँ। तरपाल की मुख्य समस्याएं क्या है? देखिए चुनाव तो होते हैं, चुनाव आते रहते हैं ना, लेकिन गांव का जो विकास की बात करें, पिछले 5 सालों में कैसा था और अब इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं कि सरपंच बन रहा है तो चलो हमारे ये काम हो जाएगा? उम्मीदें तो हर साल भी रहती है, मतलब हर इलेक्शन में रहती है, भले लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायती राज का हो। बाकी जो भी कैंडिडेट यहाँ आता है, विकास के नाम पे मतलब कुछ होता नहीं है, और जो विकास करेगा वो इलेक्शन जीत के आ जाएगा। और गाँव वालों की यही उम्मीद है कि मतलब इलेक्शन वो उसको जिताए जो गाँव का डेवलपमेंट करे। तो अभी जो है, हाँ, पिछले 5 सालों के काम से आप खुश थे? नहीं, हम तो खुश। और अभी गांव में क्या मोटी मोटी मांगे हैं, क्या काम है ऐसे? जो गरीबों की जो समस्या है वो पानी है, लाइट है, रोड लाइट है, सीसी रोड है, जो ऐसी ऐसी जो समस्या है। पानी के लिए क्या करते हैं अभी? पानी का तो अभी तो देखो, कुएं से भी लाते हैं, बोरिंग से भी लाते हैं, हैंडपंप से, पनगट की योजना भी है। बाकी हम पनगट की योजना जो है तो कहीं खराब पड़ी हुई है, इस पर किसी का ध्यान है नहीं। मोहल्ले वाले तो कोई खर्चा करके उसको रिपेयरिंग करवाएंगे नहीं। 100 ग्राम में 150 ग्राम में पानी मिलता है, मगर बाकी आप सर्वे करो जो पानी नहीं मिल रहा है, दूसरों को पानी नहीं मिलता है। और नाली वाली देखो आपके सामने एकदम, कोई 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, देख लो आप गांव में जाके देख लो आप। अब जो उम्मीदवार आ रहे हैं, 3 उम्मीदवार है, इन उम्मीदवारों से आप मांग कर रहे हैं? हाँ, हम कह रहे हैं उनको, ये तो वो बोल रहे हैं हम ये कर रहे हैं वो कर रहे करेंगे हम ये करेंगे क्या, मगर वो क्या है अभी करे तो जाने ना, अभी आ रहे हैं वो आश्वासन दे रहे हैं ऐसा करेंगे ये करेंगे, मगर करे तब जाने ना। फिर भी मुद्दे आधारित जो बात करें तो 3 मुद्दे आप जैसे बता रहे हैं, एक तो पेयजल की यहाँ समस्या है, नालियों की सफाई की बात है, यहाँ पे नालियाँ निर्माण की बात है, और रोड टूट गए को ठीक करने का काम है। 3 काम आपने मुद्दे बताए, सही बात। और भी कोई समस्या है? हैंडपम्प ऐसे है वो तो खराब है, वो मिस्त्री कोई आता नहीं है, और ये लाइनमैन, लाइटों का लाइनमैन भी इधर रहता ही नहीं है बराबर कोई। बिजली की सप्लाई कैसे रहती है? एकदम यहाँ घटिया है, 24 घंटे में 3 घंटे ही रहती है। और क्या बात कर रहे हैं, 3 घंटे काटते घड़ी, अभी देखो आप 15 मिनट लाइट रहेगा, 25-20 मिनट आधा कलाक रह गई नहीं, अभी दिन को भी यही देखो आप घूम रहे हो ये देखना अभी।
तो क्या कभी आपके इतने सरपंच रहे हैं पहले भी, सरपंचों ने कभी अपने लेवल पे कोई पैरवी का काम किया है क्या? पहले जो सरपंच थे बोरगोर थे उस टाइम पे, तो उस टाइम में ये नल की लाइनें वाइने करवाई, ये नालियाँ बनवाई, उसके बाद में वापस कोई सूद लेने वाला ही नहीं मिला है। ये गौरी का बिलवाड़ा है, यहाँ पे एक तो ये रोड की सुविधा नहीं है, बहुत कीचड़ होता है पूरे रास्ते में। आप आए अभी तो बारिश नहीं है, बारिश के टाइम में बहुत मुश्किल है, ऐसी गाड़ी निकलती भी नहीं है, और एक लोगों के पानी की बहुत समस्या है। दूसरा तो ठीक है, लाते हैं कैसे पीते हैं? पानी तो हेडपम्प खोदे हुए, कहीं कोई ख़राब है, कोई किसी में आता है किसी में नहीं आता है, ऐसे ऐसे। अभी पानी आने गया बारिश के हिसाब से, गर्मी में पानी की बहुत समस्या लोगों के, और रास्ते की। दूसरा तो ठीक है। और कन्हैयालाल जी, यहाँ सीमेंट की सड़क तो बनी हुई है, ये है ना, ये बनी थी, ये कहाँ चली गई, ऐसे मिट्टी में कैसे दबी? मिट्टी में ऐसे हुआ सर, इसमें नहीं है करके रखा है, और ये रोड पे ये भी वहाँ बाजार में जाता है और ये भी बाजार में जाता है। हाँ हाँ। तो इसमें रोड पे नहीं है ये, इस रोड पे सीसी रोड बना हुआ है। हाँ हाँ। मगर सीसी रोड टूट गया है। इस पे बनाया था पहले? बनाया था। ओके, तो आप सब लोग मिलकर जो है इनका सपोर्ट कर रहे हैं। खेमाराम का क्या जनता की मांगे हैं, ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों की क्या मांगे हैं, और क्या घोषणाएं हैं? घोषणा तो सरपंच बनने के बाद करेंगे सर। घोषणा तो पहले करनी पड़ती है, तब जाके लोग कहते हैं कि भाई हाँ इनके इनकी बातों में दम है, या फिर विश्वास। घोषणा क्या, रोड बना देंगे, पानी की व्यवस्था कर देंगे, यहाँ पानी की व्यवस्था, और रोड बाकी रोड। नंगा जी का गुड़ा की देखे, आप अलग अलग जगह पे जा रहे होंगे, मेरा मतलब ये है कि आप गाँवों में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं सभी लोग, तो प्रचार के दौरान लोग मांग क्या कर रहे हैं गांवों के लोग? गांव की समस्या की मांग कर रहे हैं, तो क्या पूरी करेंगे हम, सरपंच बनाएंगे हमारा। मोटी मोटी क्या मांगे सामने आ रही है? सीसी रोड बनाना है, पानी की व्यवस्था, ये मांग रहे हो कुछ। और उम्मीदवार कुल कितने हैं यहाँ पे? यहाँ तीन है। तीन है। किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपकी टीम को? हमारी टीम खेमाराम की तरफ मिल रहा है फुल समर्थन। सतपाल मेन गाँव में भी आपको लगता है कि जो विकास होने चाहिए थे वो अभी नहीं हो पाए हैं? जल की बात हो, चाहे नालियों की जो बात हो, काफ़ी कचरा वहाँ फैला रहता है। बस स्टैंड की जो एक सूरत होनी चाहिए ग्राम पंचायत मुख्यालय की, वो मुख्यालय जैसा नहीं लगता। सही है सर। तरपाल ग्राम पंचायत के सरपंच पद के दूसरे उम्मीदवार है मोतीलाल गमेती, ये नंगा जी का गुड़ा गांव के है। रास्ता आपने देखा बहुत ख़राब है, रास्ता ही नहीं है एक तरीके से, बस ज़मीन पर से आके लोग ऐसे ही आते जाते हैं, छोटी सी गली है, पथरीला रास्ता है। और ये मोतीलाल जी का सरपंच उम्मीदवार का मकान है, यहाँ पर इनके गाय भैंस बकरी वगैरह यहाँ है, पिताजी यहाँ है, और पास में ही खेत है। अभी सब लोग चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, वही मोतीलाल जी भी जो है प्रचार के साथ साथ घर का खेत का काम भी कर रहे हैं। वो अभी जंगल में पास में ही खेत है, तो वहाँ से गाय भैंस के लिए चारा लेने गए हुए हैं। आपरो नाम कही है? दत्ताराम जी। हाँ जी। तो ये आपके बच्चे? हाँ जी। मोतीलाल जी? हाँ। उनको चुनाव लड़ा रहे हो आप? हाँ। आपके कहने से लड़ रहे हैं वो, या खुद की मर्जी से लड़ रहे हैं? खुद के गांव में शायद। अच्छा, आपने कहा कि भाई लड़ो? गांव में ना भाई वो गया कर दिया गांव वाला भी, क्यों गांव वाला दो ने कही कडियो लड़े रहा है उबा हुआ। तो ये मोतीलाल जी आ चुके हैं यहाँ। मोतीलाल जी आइए यहाँ, कहाँ गए थे मोतीलाल जी? खेत पे गया था मैं। अच्छा अच्छा। और चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है। कब कब जाते हो आप? अभी एक एक दो दो घंटा जा रहे हैं। सांसे चढ़ गई बहुत, दौड़ के आए? दौड़ के आ रहा हूँ, सीधा कौन आ रहा हूँ। तो घर का जो गांव में आने का जो रास्ता है, इसको लेके आप क्या आपके दिमाग में चलता है? अपने दिमाग में ये चल रहा है कि इतने साल में कोई सुनवाई नहीं हुआ अपने, गांव के हिसाब से हमें सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए मैं चुनाव लड़ना। तो नंगा जी का घोड़ा के तमाम लोग आपके? तमाम लोग अपने साथ में, और तरपाल के भी है, और युवा सब मित्र मंडल हमारे साथ में। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो आप? अभी पार्टी वार्टी कुछ नहीं है, निर्दलीय से लड़ूंगा। फिर भी आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, बीजेपी से जुड़ा हुआ, लेकिन कुछ काम हो रहा नहीं, इसीलिए मैंने खुद ने सरपंच बनने का ठाना। हाँ, खुद ने। तो ये तीन गांव हैं आपके, तरपाल है, नंगा जी का गुड़ा है, और कागटी है। कागटी है। तो तीनों जगह से किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है? हमारे को बस अच्छा मिलेगा समर्थन, सब लोगों का भावना है अपने प्रति। अलग अलग गांवों में कई तरह की समस्याएं हैं। आपने अभी चुनाव प्रचार के दौरान
या चुनाव का लड़ने से पहले आपने सोचा है कि किस गांव में क्या समस्या है और उसका क्या समाधान करना है? हर गांव में समस्या बता रहे, लोग सब बता रहे कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, इसीलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हर गांव में हर समस्या है, कोई कहीं पे रोड नहीं है, कहीं पानी की सुविधा नहीं है, जाने आने का रास्ता भी नहीं है। और पुलिया निर्माण का पहले बता रखा कि रिकॉर्ड में कहाँ बन चुका है, बना नहीं अभी, वर्तमान में बता रहे। अच्छा, तो मतलब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और गांव का विकास आप करवाएंगे। नगाजी का गुड़ा में मुख्य क्या समस्या है? नगाजी गुड़ा में पानी की समस्या है मेन तो, और हमारे आने जाने का रास्ता भी नहीं है। आपके यहाँ तो सीसी रोड है ही नहीं। और चुनाव प्रचार के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं आप? अभी तो आज एक एक दो दो घंटे जा रहे हैं, लेकिन प्रचार करेंगे अभी तो, आज से शुरू करेंगे प्रचार। आपके पेम्पलेट पोस्टर आने भी अभी बाकी है, सब बनवाने हैं, बना देंगे। कितने वार्ड है इस पंचायत में? 9 वार्ड है। और 9 वार्ड में मतदाता कुल कितने हैं? 3 मतदाता। नहीं नहीं, मतदाता मतदाता अभी तो देखो चुनाव पड़ेंगे उसमें 1400-1500 वोटिंग पड़ेंगे, टोटल टोटल है 2223 ओलम्स। ओके, और नगाजी का गुड़ा में कितने हैं? 265। ठीक है, और 9 वार्ड में से कोई निर्विरोध भी वार्ड में चुने गए हैं? हाँ, निर्विरोध चुने गए हैं भगवत सिंह जी, 2 नंबर वार्ड से। वो कौन से गाँव में? गौरी का भिलवाड़ा में आते हैं। हाँ, गौरी भिलवाड़ा में, फूटिया फूटिया गाँव में आते हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि आदिवासी क्षेत्र में कई युवा युवतियां जो है सामाजिक संस्थाओं से जुड़े होते हैं और उनसे जुड़ के जागरूक होते हैं, जागरूक होने के बाद में चुनाव वो लड़ रहे हैं। तस्वीरों में जो दिख रहे हैं, ये तस्वीर है रेखा गमेती की। रेखा गमेती तरपाल ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए उम्मीदवारी इन्होंने जताई है और ये चुनाव लड़ रही है। ये तरपाल की जो है ओपन सीट थी एसटी के लिए और यहाँ पे 2 पुरुष उम्मीदवार है, वहीं एक महिला उम्मीदवार है जो रेखा गमेती। और आप जो है महिलाओं को जागरूक करने का काम करती है, बेहतर स्वास्थ्य आपके द्वार, है ना। जैसा आप देख रहे हैं पीछे तस्वीरों में, तरुणी सखी ये है और महिलाओं के लिए उनको स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति और उनके अधिकारों के प्रति जो है जागरूक करने का काम रेखा गमेती करती रही है। और अब वो ग्राम पंचायत के विकास के लिए विचार रखते हुए उस सोच के साथ जो है सरपंच का चुनाव लड़ना चाह रही है। बात करते हैं इनसे। रेखा जी, चुनाव लड़ने का विचार कहाँ से आया, सरपंच बनने का विचार? चुनाव लड़ने का विचार तो मेरा यही है कि हम गांव में जागरूकता लाए और हमारे गांव में कोई भी विकास, हम हमेशा वोट दे रहे हैं लेकिन हमारे गाँव में कोई विकास नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ का, पानी से लेकर, सड़क से लेकर और भी कई समस्या होती है हम लोगों को, तो कोई हमारा विकास नहीं होता। कोई भी कहीं पर भी देखो आप, ना तो हमारे लोगों को कोई देखता है, ना कोई कुछ जाने के लिए पूछते हैं, तो उनको कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आज हमारे गांव में सीसी रोड भी तक नहीं बना है, कई सालों से सरपंच आ रहे हैं, कई पानी की सुविधा तक नहीं है। हम गर्मी के दिनों में इतने परेशान हो जाते हैं, कुएँ से खींच के निकालना पड़ता पानी और वो हम निकाल भी नहीं पाते। चलो पुरुष होते तो हमारे साथ निकलवा लेते, लेकिन हम महिला इतना पानी कहाँ से खींच खींच के ला, और हेडपम्प की सुविधा भी नहीं इस गाँव के अंदर, सबसे बड़ी समस्या तो ये। इसलिए हमको, मेरे को नहीं लगा लड़ना मेरे को चाहिए पानी और हमारे कुछ सुविधा हो, हमारे भी कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन हमें पानी सड़क ऐसी सुविधा तो मिले कम से कम सरकार से। ये तो आप नगाजी की गुड़ा की बात कर रहे हैं और ऐसी समस्या कागटी और तरपाल के और गांव में, चाहे गौरी का भिलवाड़ा में भी, तो वहाँ भी मैं हर पूरे गाँव में मैं तो चाह रही हूँ कि अगर मैं जीत गई तो मैं इस पूरे गाँव में कुछ न सबके लिए जो समस्या है उनको मैं आगे तक पहुँचाऊँगी और मैं उन पूरी कोशिश करूँगी कि वो हमारे लिए कोई न कोई सुविधा उपलब्ध कराए। और कोशिश यही है मेरी कि मैं जो भी है पानी, जिसको पानी की समस्या है तो उनको थोड़ा सा भी, थोड़ा बहुत भी उनको लिए उनका वो करेंगे ताकि उनको थोड़ी सुविधा होगी। और जिस भी गांव में सड़क है या बिजली की कोई समस्या है या कोई छोटी और दूसरी कोई समस्या है, हम पूरी कोशिश करेंगे, आगे तक जाएंगे, यहाँ से नहीं होगा तो आगे तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तो ये सरपंच लड़ने का जो विचार है, ये खुद को आया या परिवार वालों ने आपको कहा? नहीं, ये विचार मेरा ही था क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर सब अपने अपना देखते हैं, लेकिन कोई जनता का या कोई गांव का विकास कभी नहीं हुआ है। मैं भी आज यहाँ 8-10 साल से यहाँ रह रही हूँ लेकिन आज तक मैंने विकास का ही नहीं देखा है। सब आती है पार्टी बहुत सी आती है जाती है लेकिन विकास कोई नहीं कर रहा है यहाँ का। किन लोगों का समर्थन है, परिवार का, समाज का, गाँव का, जो सहयोग आपको किस तरह मिल रहा है? अभी तक तो मेरे को किसी का समर्थन नहीं है,
लेकिन अगर लोग ने चाहा तो अगर उनको मन में लगेगा तो वो जरूर साथ देंगे, लेकिन अभी तो हम सिर्फ अकेले ही लड़ रहे हैं, हमारा कोई साथ नहीं है। तो आप समर्थन तो आपको लेना ही पड़ेगा जीतने के लिए, तो समर्थन प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हम लोगों को यही तसल्ली दे रहे कि हम उनको लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ उनके पानी की सुविधा, या आप इतने दिनों से बीजेपी कांग्रेस जो भी आप पार्टियों को वोट दे रहे हैं उन्होंने आपके लिए क्या किया, हमारा कोई सुविधा नहीं है हमारे पास, तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे उनके लिए, ये मैं उनको कह के जागरूक कर रही हूँ। और हर जहाँ प्रचार कैसे कर रहे हैं फिर, कागटी में कैसे पहुँच रहे हैं आप, कैसे जाते हैं? अभी तक तो हम कहीं गए नहीं है, लेकिन कल से हम विचार बना रहे कि थोड़ा प्रचार करें ताकि हमको वोट कवर हो और हम इस जीत के हासिल करें।